अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज जो है सेकंड लास्ट इफ्तारी है इस रमज़ान की। इतना जल्दी रमज़ान गुजरा है कि पता ही नहीं चला बिल्कुल, एंड इट हैज़ बिन सो सो अमेजिंग। अल्हम्दुलिल्लाह, आई फील लाइक इस रमज़ान जो है ना, मुझे बहुत थोड़ी वीकनेस लिथार्जी वगैरह रही, बट ऑल इन ऑल इट वाज अमेजिंग एंड इट वेंट बाय सो सो फास्ट। तो खैर, आज हम लोग एक इफ्तार दावत पे जा रहे हैं। हमारी जो है एक एम्प्लॉय भी हैं, शी इज़ आर कस्टमर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, बट मोर देन दैट शी हैज़ बिकम अ फ्रेंड, हर फैमिली हैज़ बिकम लाइक फैमिली। सो यू नो, लाइक अब तो बिल्कुल फील ही नहीं होता दैट शी इज़ यू नो आर मैनेजर और आर रिप्रेजेंटेटिव। अब तो ऐसे ही फील होता जैसे यू नो बस दोस्ती है। तो खैर, हम उनके घर जा रहे हैं इफ्तार पे, एंड लॉन्ग ओवर ड्यू था, बट हमें बीच में लाहौर और वो सारी चीज़ें कर करा के यही टाइम मिला। सो आई एम जस्ट गेटिंग रेडी। आप लोगों को याद होगा कि ये एक रिपब्लिक का जोड़ा था जो मैंने मंगवाया था ईद के लिए, बट सिंस हमारे ईद के जो है इतने ज़्यादा कपड़े हो गए थे, सो आई थॉट दैट मैं ये अभी पहन लूँगी। ऑल्सो गाइज, ऑल्सो बाई द टाइम दिस वीडियो कम्स आउट, हमारा थर्मल स्प्रिंग वाटर जो है वो लॉन्च हो चुका होगा। आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर यू गाइज टू ट्राई इट आउट, टू गिव अस योर फीडबैक, टू लेट अस नो हाउ यू लाइक्ड इट। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बारे में मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी, बिकॉज इट्स द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन पाकिस्तान। एंड यू नो, बड़े मसले मसाइल हैं पाकिस्तान में बिजनेस करते हुए। वी हैड अ रफ फ्यू डेज, नॉट समथिंग दैट आई वॉन्ट टॉक अबाउट, बट दुआओं में आप लोग याद रखिएगा। सो खैर, सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर दिस लॉन्च, एंड आई कॉन्ट वेट फॉर यू गाइज टू गेट योर हैंड्स ऑन इट, टू ट्राई इट आउट, टू लेट अस नो हाउ यू लाइक इट एंड गिव अस योर फीडबैक। ठीक है ना? तो खैर, कल हम लोग जो हैं ईद की शॉपिंग के लिए गए थे सेंटोरस ऑन अ संडे, ईद के दिनों में इतना रश था भाई, बट मुझे अली के कपड़े लेने थे, बिकॉज अली ने अभी तक कोई कपड़े नहीं लिए। एंड कॉटन एंड सिल्क, सरप्राइजिंगली मैंने बहुत कम नाम सुना था उसका फॉर मेंस क्लोथिंग, बट उनके इतने अच्छे कपड़े थे कि एंड आई एंडेड अप गेटिंग 4 सूट्स। दो तो खैर हम लोगों ने जे डॉट से लिए और दो जो है कॉटन एंड सिल्क से लिए, बहुत बहुत अच्छी क्वालिटी थी। तो खैर, अभी जो है अली को मैंने बोला कि सिंस यू हैव 4, ईद के 3 दिन ही होते हैं, तो एक अभी पहन लो, सो ही इज़ गोना वेयर वन एंड आई विल शो यू। मैं बस जल्दी से जो है अपना स्किन प्रेप कर रही हूँ और फिर मेकअप करती हूँ। मैं जो हूँ लाइक ऐसे 3-4 दिन से अपना मुँह नहीं धो के सो रही थी, सनस्क्रीन नहीं उतार रही थी, सो ईद से पहले एक मेहमान आ गया है एंड आई एम नॉट हैप्पी अबाउट इट, बट आई एम ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ इट ASAP, क्योंकि ये बहुत ही बुरा लग रहा है एंड इट्स अगली एंड इट्स फैट एंड इट जस्ट डजंट लुक नाइस, बट इट्स ओके। स्किन है, स्किन स्किनिंग करेगी, कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं, होता है, चलता है दुनिया। आई जस्ट रियलाइज दैट आई एम आउट ऑफ माई मल्टी पेप्टाइड सिरम एंड माई मॉइस्चराइजर, तो खैर है ही नहीं, उसका क्या किया जाए। तो स्किन प्रेप के लिए आई एम गोइंग टू यूज, चलिए, दिस इज अ रियली नाइस सीरम बाय बायोमा। ये है इनका हाइड्रेटिंग सीरम जिसमें सेरामाइड्स हैं, ग्लिसरीन है, स्कॉलिन है, बहुत फिट किस्म की ये आपको हाइड्रेशन देता है। ये भी स्किन प्रेप के लिए, आई रियली लाइक टू यूज इट बिफोर माई मेकअप, बिकॉज अच्छा सा ये जो है आपकी स्किन को हाइड्रेट कर देता है। सो लेट्स जस्ट मेक डू विद दिस। ये जब मैं यूके अपने लैब 1 के लिए गई थी ना, तब मैंने लिया था, बूट से आराम से मिल जाता आपको। सो माय लेडीज जो यूके में रहती हैं वो आराम से इनके प्रोडक्ट्स खरीद सकती हैं। अभी तक जो है मैंने इनका क्लेंजर भी ट्राई किया हुआ, येलो वाला, आई डिड नॉट लाइक इट। दिस इज माय फेवरेट प्रोडक्ट बाय देम सो फार। मैंने ऑनेस्टली सिर्फ क्लेंजर और यही ट्राई किया हुआ है, सो बाकियों के बारे में तो मैं बोल नहीं सकती, बट द क्लेंजर आई डिड नॉट लाइक, दिस सीरम आई रियली 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 लाइक इट। सुपर हाइड्रेटिंग, वेरी थिक, वेरी क्रीमी। आई एम नॉट श्योर कि ऑयली स्किन पे कैसे काम करेगा, बट फॉर माई ड्राई स्किन इट वर्क्स रियली रियली वेल। मॉइस्चराइजर में जो है हम लगाते हैं मॉइस्चराइजर, लेट्स यूज द लिनीज का वाटर बैंक मॉइस्चराइजर, ऑल्सो अ वेरी गुड मॉइस्चराइजर। आज बहुत ही नो ब्लिसफुल स्किन केयर डे हो गए, बट चलें,
हमारी इंटरनेशनल गर्लीज जो कि आज अभी तक ब्लिसफुल पे कुडंट गेट देयर हैंड्स ऑन, वो फ़ायदा उठा लेंगी। जस्ट गोना लेट दिस सेट इन अ बिट, फिर मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, फिर हल्का फुल्का सा मेकअप करते हैं। 5:15 तो हो गए हैं, आधे घंटे का रास्ता है टू देयर हाउस, सो 5:45 तक वी शुड लीव, ताकि एटलीस्ट इफ्तारी से 15-20 मिनट पहले तो हम पहुँच जाएँ। जब मेकअप स्किन केयर वगैरह हो जाएगा तब मैं आप लोगों को खड़े होकर अपना फुल आउटफिट दिखाऊंगी इंशाल्लाह। गाइस आई एम ऑल सेट, बाल जो है मैंने बस जल्दी जल्दी में ही बनाए, स्ट्रेट ही कर लिए हैं, तो आप लोगों को ज़रा पूरा जोड़ा दिखाते हैं। मेकअप जो है मैंने हल्का सा पर्पलिश पिंक टाइप किया, और यहाँ पे अब देख के मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि सही से ब्लेंड भी नहीं हुआ है। जो है मेरा आउटफिट है, दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक, दुपट्टा ऐसा बहुत प्यारा सा एक फ्लोरल टाइप है, गले पे इसके ऐसा काम हुआ हुआ है, एंड आई एम ऑल सेट। ईयरिंग्स मैंने ये पहने हैं, दाना वेरी पॉपिंग आउट, तो लेट्स गो। जूते जो हैं मैंने ये पहने हैं, आउटफिट दीज आर फ्रॉम इंसिग्निया बट काफ़ी पुराने। चलिए जी गाइस हम लोग रवाना हो गए हैं, और इन हैंडसम को तो देखें ज़रा, हैंडसम हैंडसम एंड ग्रम्पी रोजा लग रहा है। ये हसीना उसको देखें, एक तो हसीना सो गई है सही, दूसरी हसीना हमारी बिजनेस वुमन बिजनेस वुमन, और ये खूबसूरत इस्लामाबाद। गाइस 3-4 दिन जो है ना मैं व्लॉगिंग नहीं कर रही थी, एंड थोड़ी सी आदत मेरी आउट हो गई। दावत पे चले गए, बहुत मज़े मज़े के खाने हमने खाए, इफ्तारी की, डिनर की, गप्पे लड़ाई, बहुत ही मज़ा आया। विद हिरा एंड हर फैमिली एंड एवरीवन वाज सो मच फन। व्लॉग वहाँ पे तो खैर मैंने इसलिए भी नहीं किया बिकॉज एट दैट पॉइंट आई डिडंट रियली नो इफ दे वुड बी कम्फर्टेबल विद मी व्लॉगिंग। और ये एक बड़ा मसला होता है व्हेन वी गो टू, यू नो, जैसे हमारे जो दोस्त वोस्त होते हैं, हम रोज़ मिल रहे होते हैं, उनका तो हमें पता होता है कि उनको मसला नहीं है, ये जिनको है उनको नहीं लेना, बट इस तरह की सिचुएशंस में आप नेचुरली नहीं कर पाते, एंड देन इतना आप बातों शातों में मगन हो जाते हो कि आपको पूछना भी भूल जाता है। खैर हिरा के घर से जो है हम लोग वापस आए, बहुत ही रश में मैंने अपनी कॉफ़ी पी, कॉफ़ी पी के हम लोग जिम के लिए निकले। अब जिम से हम लोग वापस आए हैं, अम्मा ने आज बांटने के लिए जो है हलीम बनाई थी, सो मी एंड अली आर गोइंग टू हैव द हलीम। ये भाई हलीम है, ये मैं और अली दोनों शेयर कर रहे हैं बिकॉज अभी सहरी का भी ऑलमोस्ट टाइम होने वाला है, 2 तो बज ही गए, सो वी जस्ट वॉन्ट टू ईट समथिंग थोड़ा बहुत पेट भरने के लिए, तो ये हम दोनों शेयर करके खा रहे हैं। हेलो जी गाइस, टाइम फॉर सहरी, एंड ये अली जो है मेरे हनी मलाई पराठे के, मैंने प्यारा सा डिज़ाइन बनाया अपने मलाई और हनी के अंदर, और उसको पता नहीं क्यों जज कर रहा है, क्या मसला है। दिस कुड पोटेंशियली बी आर लास्ट सहरी दिस रमजान, सो आई एम गोइंग टू एंजॉय इट। व्हाट, तो एक दिन मैं न्यूट्रिशन नहीं खाऊंगी तो क्या हो जाएगा? होल व्हीट पराठा है, घी है, गुड फैट, कार्ब्स, कार्ब्स, फैट, मैं और तुम एक ही चीज खा रहे हैं बस, तुम अंडे खा रहे हो साथ में, प्रोटीन। हाँ तो एक मील में नहीं लूंगी प्रोटीन, कुछ नहीं होगा मुझे, इंजॉय करने तो अपना सुकून से खाना। चलिए जी गाइस सहरी करके जो है अब हम लोग निकले हैं जरा बूनी की वॉक पे, बूनी वॉक, और ये हमारी सारों की वॉक पलटन है साथ में जो कि उधर मामा जागी, हाँ वो अभी उनको कोई नजर आए तो उसको भगाने गए, इतनी हमारी प्रोटेक्शन करते हैं। और एक ये है लूसी आलसी मोटा डॉगी, तो अभी ऐसे वो वापस आएंगे हमारे साथ, वो पूरी वॉक करते हैं तीनों। ये देखिए जी आ गए हैं वापस तीनों भागते हुए। बूनी को बहुत पसंद है ये मामा डॉगी। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 2 ऑफ दिस व्लॉग। कल का व्लॉग जो है थोड़ा सा वियर्ड था बिकॉज़ आई डिडंट रियली गेट टू व्लॉग इट एट ऑल, लाइक आई सेड के इन आखिरी के दिनों में ना रमज़ान में थोड़ी एग्जॉस्टन भी इतनी ज़्यादा हो जाती है, आपको सही बर्न आउट हो रहा होता है, देन जिम एंड एवरीथिंग, वो सब जो है कुछ ज़्यादा ही इंटेंस चल रहा था। मुझे एकदम से पूछी क्या कॉलर की आवाज़ है, मतलब बाहर तो नहीं निकल गई लेकिन सामने ही बैठी हुई है। तो खैर अभी थोड़ी देर पहले जो है हम लोग उठे, हमने नमाज़ पढ़ी, कुरान पढ़ा, इफ्तारी आज मुझे जो है बनाने का दिल नहीं जा रहा था, लाइक आई सेड बहुत एग्जॉस्टन और बर्न आउट हुआ था। और अम्मा और हमना जो है वो लोग ज़रा बाहर गए हुए थे कामों शामों से, तो मैंने जो है बल्टीत वॉक से चाइनीज़ मंगवाया है। इफ़ यू गाइज हैव बिन वॉचिंग आर ब्लॉग्स यू नो हाउ मच
वी लव बल्तीत वॉक. दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड. मैं नंबर भी आप लोगों को दे दूँगी. इनका स्पेशल चाउमिन इज सो नाइस. और अपने और अली के लिए जो है मैंने शवरमास मंगवाए, बिकॉज दोज आर द हेल्दी वंस विद एक्स्ट्रा प्रोटीन एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा. दाने की अपडेट ये है कि थोड़ा लाइट तो हो गया है, बट इट्स स्टिल वेरी मच देयर. मम्बलूनी को जो है आज फ्ली स्प्रे लगा है. थोड़ी मैडम ट्रॉमाटाइज चल रही हैं. पर पहुंची थी तो हमारे शवरमा लैड्स वालों का भी फ़ोन आ गया कि शवरमे भी तैयार हैं. सो एक राइस बोल अली का है, शवरमा मेरा है. मैम आप कहाँ जा रही हैं? हैं कहाँ जा रही हैं? किधर को, किधर को मैडम? गाइज ये है बल्तीत वॉक का नंबर. दे हैव रियली रियली गुड चाइनीज, वेरी अफोर्डेबल. दिस इज़ देयर चिकन चिली डॉट वॉज यम. जी गाइज इफ्तारी का टाइम हो गया और हमारी अम्मा भी वापस आ गई हैं. ज़रा शॉपिंग है वॉपिंग है करके घूम फिर के ये पूछी गए बेचारी सुबह से ट्रॉमाटाइज घूम रही है. ये भाई हमारी फेमस बल्तीत वॉक की चाउमिन, इसमें बीफ भी होता है, चिकन भी होता है, प्रॉन भी होते हैं, और ये हमारे रोल और वो एयर फ्राइड साथ में एग फ्राइड राइस. हमारी बहू ने चिकन चिली ड्राइव, हमारी बहू ने हमारे लिए इतना इतमाम करके रखा हुआ था. और हमने ये वाटर मिलन इतनी खुशी खुशी लेके आए, लेकिन थोड़ा व्हाइट निकला है. चले कोई नहीं, अली किचन में आके बोलते ये क्या है, हदवाना होता है, हदवाना होता है. चले गाइस आप लोग बताएं हदवाना होता है, दुआना होता है. ये हेलो जी, वो आपकी पूछी कैट है ना. वाओ कितने क्यूट है, ये किसके साथ मंगवाए? ये अली ने गिफ्ट किया था ना. बहुत प्यारे हैं वो. देखो कि पूछी कैट ट्रॉमेटाइज घूम रही है सुबह से, सुबह से मोती बिल्ली हो, उसको स्प्रे किया हुआ है इस पे. आपको क्या लग रहा है भाई, कल ईद होगी नहीं? डैडी तो बोला हमारी सऊदी के साथ ही होगी ईद, है ना? हाँ. मुझे भी ऐसे लग रहा है. आपको क्या लग रहा है? पता नहीं यार, मुझे तो समझ नहीं आ रही. मेरी साजिद से बात हुई यूके, कहता है यार वहाँ तो यहाँ पे कल आदों की ईद है, आदों की नहीं. मैं ये पिछली दफा भी यूके में हुआ था, आधे लोग ईद मना रहे थे, आधे नहीं मना रहे. हाँ एक दफा की थी, मुझे लग रहा हो जाएगी. क्योंकि डैडी बोल रहे हैं कि बहुत पक्का पक्का उन्होंने बताया कि चांद नजर आया हुआ, कल ईद है, लेकिन अब पता नहीं, देखते हैं. अच्छा एंड टाइम पे ही बताएंगे हमें. कराची गाइस बहुत ही जबरदस्त सी इफ्तारी करके अब जो है बहुत दिनों बाद मेरा थोड़ा मूड हुआ है इफ्तार के बाद नैप लेने का. हालांकि मैं उठी काफ़ी देर से थी, बट स्टिल थोड़ा स्लीपी स्लीपी हो रहा है. सो लेट्स सी, 9 बजे जिम जाना है. टुडे विल प्रॉबली बी आर फाइनल वर्कआउट बिफोर बिफोर ईद की छुट्टियां एंड हमारा कराची ट्रिप एंड एवरीथिंग. सो हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ इट. हालांकि आई डू प्लान कि कराची जाके मैंने जो है अपने वर्कआउट्स जारी रखने हैं इंशाल्लाह, कस हमारे कंपाउंड में बहुत अच्छा सा जिम है, उनके पास सारा इक्विपमेंट होता है. तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आई विल Stay put. Hey guys, I have just woken up from a very nice nap. और उठी मैं इस खबर से हूँ कि चांद नजर आ गया. तो आप सब लोगों को चांद रात मुबारक हो, कल इंशाल्लाह ईद मुबारक आप लोगों को विश करेंगे. और अभी जो है मैं कॉफी अपनी पीने लगी हूँ. आई स्टार्टेड रियली इंजॉइंग अली की कोल्ड ब्रू विद क्रीमर दीज डेज, सो दैट्स व्हाट आई एम हैविंग अ कोकोनट कैरमल कोल्ड ब्रू टुडे. दिस इज द कोल्ड ब्रू. ये मैंने ग्लास को लाइन किया कैरमल सिरप से, सॉस से, और अंदर कोकोनट मोनिन का सिरप डाला है. लेट्स जस्ट ऐड आवर कोल्ड ब्रू नाउ. चलिए गाइस मैं तो आई एम हाफ वे थ्रू माय कोकोनट कोल्ड ब्रू. आई वांट माय कॉफी. मैं बनाऊं? नहीं. आउच, मैं कितनी खुशी खुशी तुम्हें बोलती हूँ बनाने को मेरी कॉफी, और तुम देखो जरा दिन का बेस्ट टाइम कॉफी हमने कॉल करी. हेलो गाइस, टाइम फॉर द जिम. और ये देखें जरा हैप्पी डॉग के काम देखें जरा. जी हैप्पी डॉग, जी हैप्पी डॉग, बाय 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 बाय. चलिए जी गाइस, वी मेड इट टू द जिम. बहुत जबरदस्त सा हम लोगों ने वर्कआउट किया. अभी आई एम जस्ट फिनिशिंग माय लास्ट एक्सरसाइज, और फिर जो है मुझे जाना है दर्जी से कपड़े लेने के लिए अपने ईद के. वेरी लास्ट मिनट, बट अगर उन्होंने बोला था वो दे देंगे तो उन्होंने दे दिए. सो अभी आप लोगों को कपड़े दे के मैं दिखाऊंगी नहीं, इंशाल्लाह कल ईद पे पहन के दिखाऊंगी. मेरे साथ एक दो मिसहैप हुआ है. एक पेज था, उससे मैंने जो है अपना ईद का बैग मंगवाया था,
they couldn't deliver that. So I'm a little sad about that. But chale, it's okay, कोई बेहतरी होगी उसमें. मैं भाई अंधेरा हो गया, जिम बंद हो गया, बट ये वर्कआउट रूम छोड़ रहे हैं अपना. हो गया मिस्टर, हो गया चलो. लेट्स गो जिम बंद करा के. वाओ यूनियन, हाय यूनियन, बाय यूनियन, बाय 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 बाय. कहाँ जा रही हैं आप मैडम? लोनी कॉलोनी. बाय लोनी. मैंने जी गाइस अब जरा दर्जी से कपड़े पिकअप करके हेलो गाइस हनी मलाई पराठा खाने अली कुछ आप, 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 आपको मैं बड़ा मजे की स्टोरी सुनाता हूँ, दर्जी की स्टोरी. तो अनिया की जो दर्जी है ना उनका नाम है मास्टर अफजल. अब काफी टाइम से ना अनिया उनको पेमेंट काफी भेज टाइम से नहीं दूसरी दफा. अच्छा तो वो टैक्स हैवी नहीं है बेचारे, उनको नहीं यूज करना आता इजी पैसा उस तरह से. तो ये बड़े मजे से भेज जा रही है. वो बोला भाजी मुझे पैसे नहीं आए, मुझे नहीं आए, मुझे नहीं आए. तो मुझे लगा मैं भी शायद उनको यूज नहीं करना आ रहा है कि चेक करना. आज ये रिवील हुआ है, उन्होंने बोला बाजी मेरा इस नंबर इस ये वाला नंबर मेरा कोई नहीं है, मैं नहीं यूज़ करता ये, और मेरे नाम पे ऐसा कोई नंबर नहीं, कोई और अफजल होगा. मेरे जरा दिमाग में घंटी बजी. अब वो अमाउंट है को 25-30 हज़ार रुपये की. इमेजिन कि आप 25-30 हज़ार रुपये किसी गलत नंबर पर भेजें, फिर 25-30 हज़ार रुपये आप अपने एक्चुअल दर्जी को भेजें. तो वो पैसे डूब गए बेसिकली. अब उसी नंबर मैंने कॉल किया, मैं कहा आप अफजल साहब बोले, कहते जी. मैं कहां से, कहते अटक से. मैं कहा अटक में कौन है यार अफजल? अरे अली कोई राइडर शाइडर होगा, इसको मैंने इजी पैसा किया होगा, जिसका सेव होगा. मैंने बात की, मैंने कहा भाई मैं आपको स्क्रीनशॉट ना भेज देता हूं, तो बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप वापस भेज सकें. जो कि मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, जाहिर गलती अपनी है, लेकिन गए हुए पैसे वापस कभी नहीं आते. तो ये तो मैं अश्योरेंस दे रहा हूं. पराठा एंजॉय कर लो, मैं स्टॉप मेकिंग मी सैड. 30 हज़ार रुपए की कोई कोई दुख नहीं है तुम्हें? दुख है बट मैं क्या कर सकती हूं? मतलब 30 का नुकसान नहीं है, नुकसान 60 का है. तो मैं क्या कर सकती हूं अली? थोड़ा थोड़ा तो हो गया तो उदास हूं मैं. हो गया तो हो तो मुझे पराठा खाना है अपना गरम गरम. खाओ फिर. चलिए जी गाइस बैक होम फ्रॉम द जिम, थोड़ी सी आउटिंग, थोड़ी सी ड्राइव. ईद के कपड़े भाई मेरे इस्त्री होने हैं, तो थोड़ी देर में करती हूं. जरा सुस्ती हो रही है मुझे, मैं सोच रही हूं जरा एक कॉफी पी जाए, फिर सोचू ना पी जाए, फिर मैं सोच रही हूँ कल से तो सुबह कॉफ़ी पीनी है तो एक पी ही लेते हैं, बट फिर मैं सोच रही हूँ कि ना पीऊँ, पी लेते हैं. वैसे कुछ अच्छा सा बनाते हैं आज. केव इन, केव्ड इन, बट जब मैं बना ही रही थी तो ये साहब जो है टपक गए रात के. एंड ही डिडंट लेट मी, रात के 2:30 बजे ही डिडंट लेट मी मेक अ नॉर्मल वन, सो आई मेड अ डीकैफ. क्या फ़ायदा, मेरी एनर्जी तो होएगी नहीं इससे पूरी. अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 3 ऑफ दिस व्लॉग. बहुत 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 ईद मुबारक हो आप लोगों को. ज़रा अच्छे से तैयार होके फिर से विश करते हैं. बट आज आप लोगों को पता होगा कि मैं किस चीज़ की एक्साइटमेंट में बिस्तर से ऐसे छलांग मार के उतरी हूँ, और वो है मॉर्निंग कॉफ़ी आफ्टर होल मंथ. तो चलिए जी, लेट्स हैव आवर कोल्ड ब्रू एंड इन्जॉय द मॉर्निंग किक ऑफ कॉफ़ी. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ईद डे 2 ऑफ दिस व्लॉग. मेरे साथ कल जो है एक बहुत ही ऑफ सीन हुआ. आप लोग भी वंडर कर रहे होंगे कि ये क्या हो गया, ईद डे 1 कहाँ गया. सो बेसिकली मैं जो हूँ अपनी यूट्यूब व्लॉग्स के साथ साथ अपने इंस्टाग्राम के व्लॉग्स भी बना रही थी, द मिनी व्लॉग्स. जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको पता होगा. सो रात में जो है मैंने अपना मिनी व्लॉग अपलोड करके इंस्टाग्राम पे लगा दिया, एंड देन फॉर सम रीज़न माय डम माइंड कम्प्लीटली फॉरगॉट कि मैंने यूट्यूब का भी व्लॉग बनाया हुआ था, एंड मैंने सारी क्लिप्स जो हैं डिलीट कर दी, ये सोच के कि मैं मिनी व्लॉग की क्लिप्स डिलीट करी, और साथ में मेरे बड़े व्लॉग की भी क्लिप्स सारी डिलीट हो गई. एंड नॉट जस्ट दैट, मेरी हमेशा से आदत है कि मैं जब डिलीट करती हूँ तो मैं रिसेंटली डिलीटेड से भी फ़ौरन डिलीट कर देती हूँ कि स्टोरेज ना जाए. एंड देन उसके बाद थोड़ी देर बाद जब हम सोने लगे और मैं एडिट करने के लिए बैठी अपना व्लॉग, आई रियलाइज व्हाट आई हैव डन. एंड खैर आई वाज वेरी वेरी सैड, बट नाउ आई एम ओवर इट, इट्स ओके. ईद डे 2 है, डे 2 आप लोगों को दिखा देंगे इंशाल्लाह. अगर आप लोगों को डे 1 के थोड़े स्निपेट्स देखने हैं तो आई डिड अपलोड अ मिनी व्लॉग ऑन माई इंस्टाग्राम, वो आप लोग जाके देख सकते हैं. आज का सीन ये है कि हम लोग जा रहे हैं कराची, मैं अली और हमना. 4 PM हमारी फ़्लाइट है.
मैं सुबह 8 बजे उठ गई थी बिकॉज हम सब ने प्लान किया था, मैंने अम्मा और हमना ने, कि हम लोग जो है सुबह सुबह उठ के तैयार होके E9 में चेरी ब्लॉसम्स के साथ पिक्चर्स लेने जाएंगे बिकॉज जस्ट बिकॉज बट और कोई उठा ही नहीं। रेयर ओकेजन है जहाँ मैं उठ गई और कोई नहीं उठा। मैंने हमना को फ़ोन भी किया, उसे नहीं उठाया, सो आई थॉट दैट मे बी यू नो शी इज़ जस्ट स्लीपी, तो चलो ट्रैवल भी करना है, नींद पूरी करने दे, बिकॉज कराची में जाते ही हमारे घर पर भी जो है दावत है, था लेकिन नो चलो लेट हर स्लीप। अम्मा भी नहीं उठी तो मैंने उतनी देर में अपनी सारी पैकिंग शैकिंग कपड़े इस्त्री वगैरह सब कर लिए। अब मैं जाके ज़रा तैयार होंगी, तैयार होकर फ़ौरन आई विल नॉट वेयर माई आउटफिट नाउ बिकॉज सिंस वी नॉट गोइंग टू टेक पिक्चर्स, तो आई जस्ट डू माई मेकअप, डू माई हेयर, वेयर अ रैंडम आउटफिट ताकि इस्त्री ना ख़राब हो, और जाने से पहले फिर मैं अपने ईद के कपड़े पहन के जाऊँगी। तो ये है भाई मेरा आज का आउटफिट, ये मेरा जो है हैंड कैरी पैक हो गया है इसमें, और ये जो है मेरा नया वाला सूटकेस की इनॉग्रेशन हुई है आज पहली दफ़ा। ये भाई नबीहा ऐमान की ईदियाँ, साथ में मैंने अपना मिल्क फ्रॉथर रखा है बिकॉज अली वांटेड टू प्रैक्टिस हिज लाटे आर्ट, माय हेडफोन्स बिकॉज इंशाल्लाह हम लोग जिम जाएंगे, नीचे मेरे जूते हैं एंड यहाँ मेरे और जूते हैं, कैरमल सॉस रखी है कॉफ़ी के लिए कराची में, और इस थैले में पूरे पॉड्स हैं फॉर कराची वाली कॉफ़ी मशीन, और ये मेरा बड़ा सूटकेस भी पैक हो गया। सबसे ऊपर ये नबीहा का ईद का जोड़ा है पीले वाला, और न्यूली लॉन्च्ड वाटर स्प्रेज फॉर द फैमिली, और नीचे मेरे कपड़े छपड़े। सो बेसिकली मेरी तो सारी पैकिंग शैकिंग सब हो गई है, कॉफ़ी भी पी ली मैंने, ढेर सारा पानी भी पी लिया है, और अब ज़रा चल के मैं नहा के तैयार होती हूँ एंड तब तक होपफुली सब उठ जाएंगे तो हम लोग देखते हैं क्या करना। चलिए जी गाइज, मैं जो हूँ नहा धो के तैयार हो गई हूँ, and these are my earrings, the one that we got from Liberty. Makeup जो है आज मैंने बड़ा liner shiner भी लगाया है, बाल मैंने curl किए हैं, outfit आप लोगों को full अभी दिखाती हूँ सर। This is my full look. Please ignore Ali का शलवार कमीज at the back. ये है मेरा outfit, मेरे खुद से and my earrings, my hair. Guys, finally अल्लाह का नाम लेके ये शख्स तैयार हो गए हैं, 2:30 बजे में निकलना है, 1:49 हो रहे हैं, निकल जाएंगे। वैसे मेरे हाँ, टाइम पे तो तैयार हो तुम। मैंने कहा कि ना तो थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह पैक करने हैं कर, और तो कुछ नहीं है। सलाम अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द एंडिंग ऑफ दिस व्लॉग। सो आई जस्ट वांटेड टू कम हियर एंड सॉर्ट ऑफ अपोलोजाइज कि मैंने इतना कोई गंदा व्लॉगिंग की है ये वाली, एंड सुसीन ये है, हाय मान सुसीन ये है कि एक तो मुझसे व्लॉग डिलीट हो गया, वो तो आप लोगों को बताया था, बट फिर हम लोग जब कराची आ रहे थे तो अली वाज आल्सो व्लॉगिंग, तो यू गाइस नो कि जब अली व्लॉग कर रहा होता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ना ही व्लॉग करूँ बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट इट टू बी हिज एंड आई डोंट वॉन्ट इट टू बी मोनोटोनस एंड एवरीथिंग, एंड आई न्यू के कराची पहुँचेंगे तो मम्मा भी व्लॉग कर रही होंगी, तो तीन सेम व्लॉग बन जाएंगे एंड देन यू नो सब ने कैमरे पकड़े हुए होते हैं तो वो इतना ज़्यादा कैंडिड और उस तरह का नहीं लगता। तो खैर आई स्टॉप द व्लॉग एयरपोर्ट के रास्ते में एंड अभी मैं ज़रा अल्लाह हाफिज़ ही करने आई थी, बट आई थॉट दैट मैं ज़रा एक सेकेंड लूँ आप लोगों से अपोलोजाइज करने के लिए फॉर द ऑफुल ऑफुल व्लॉग, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगला व्लॉग जो हमारा कराची व्लॉग होगा वो इंशाल्लाह बहुत फिट होगा एंड आप लोगों से तब मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।